हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे नोटिफिकेशन ऑन एक्शन के बारे में। पिछली वीडियो में दोस्तों हमने डिस्प्ले के बारे में बात कर लिया था कि डिस्प्ले में क्या क्या चीज़ें हैं और ये काम कैसे करती हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ नोटिफिकेशन और एक्शन इसके बारे में बताएंगे कि आखिर इसके अंदर कौन कौन सी सेटिंग है और ये यूज़ में कैसे होती है। दोस्तों जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको ये राइट साइड में एक ऐसा पेज दिख जाएगा। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको जो ये सबसे पहला वाला लिंक दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट विच आइकन अपीयर ऑन द टास्क बार। तो सबसे पहले दोस्तों आपको टास्क बार के बारे में जान लेना होगा कि आखिर ये टास्क बार क्या है। उसके बाद ये ऑप्शन आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर ये करेगा क्या। तो सबसे पहले हम टास्क बार के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये होता क्या है। तो दोस्तों जैसे ही आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन में सबसे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे एक विंडोज़ का आइकन दिखेगा, उसके बाद यहाँ एक सर्चिंग का ऑप्शन दिखेगा, उसके बगल में दोस्तों यहाँ ढेर सारे ऐप्स वगैरह दिए हैं और लास्ट में ये आपको यहाँ पे टाइमिंग दिख रही है। तो दोस्तों जो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो आपको ब्लैक पट्टी एक दिख रही है तो इसको ही हम टास्क बार कहते हैं। अब दोस्तों इस टास्क बार में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे विंडोज़ का आइकन है, यहाँ सर्चिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे ऐप्स के कुछ आइकन दिए और यहाँ पे नेटवर्क, वॉल्यूम, बैटरी और टाइम वगैरह दिए। तो दोस्तों ये जो ब्लैक कलर की आपको पट्टी दिख रही है इसी को हम टास्क बार कहते हैं। अब दोस्तों इस सेटिंग से होता क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ सिलेक्ट विच आइकन अपीयर ऑन द टास्क बार। दोस्तों इस सेटिंग के माध्यम से हम ये सेट कर सकते हैं कि हमारा जो ये टास्क बार है इसके अंदर कौन कौन से ऐप्स शो होंगे, कौन कौन से ऐप्स नहीं शो होंगे। तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि हमारा जो ये टास्क बार है इनमें कौन कौन से मतलब आइकन आ सकते हैं। तो जो जो आप दोस्तों यहाँ पे सेट करेंगे बस वही वही ऐप्स के आइकन यहाँ पे शो करेंगे। तो चलिए इसको क्लिक करके देखते हैं कि कौन कौन से ऐप्स हैं। तो दोस्तों इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पे ढेर सारी ऐप्स की यहाँ पे मतलब कि दिख जाएगा कौन कौन से यहाँ ऐप्स है। अगर आप दोस्तों चाहते कि वॉल्यूम का यहाँ पे टास्क बार में आइकन ना शो हो तो आप इसको बंद कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पे वॉल्यूम का जो मेरा आइकन था वो बंद हो चुका है। अब दोस्तों आप चाहते हैं कि जो ये नेटवर्क का आइकन है आप इसको यहाँ पे बंद करना चाहते हैं तो इसको बंद कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ से नेटवर्क का आइकन बंद हो गया। तो इसी तरह दोस्तों जितने प्रकार के यहाँ पे आपको यहाँ पे ऐप्स की लिस्ट दिख रही है उन उन ऐप्स के आइकन को यहाँ पे आप बंद कर सकते हैं। अब दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। आप चाहते हैं तो परमानेंट इसको ऑन भी कर देंगे और जो जो ऐप्स वगैरह होंगी उसके आइकन वगैरह यहाँ पे बंद हो जाएंगे। तो इसको हम डिफ़ॉल्ट पे ही रहने देते हैं, इसके अंदर ज़्यादा छिड़कानी नहीं करते हैं। अब दोस्तों हम अगला चलते हैं जो सेकंड वाला ऑप्शन है टर्न सिस्टम आइकन ऑन और ऑफ। तो यहाँ पे जैसे ही दोस्तों आप चलेंगे तो यहाँ पे सिर्फ आपको उन ऐप्स की आइकन दिखेंगे जो सिस्टम के द्वारा पहले से दिए गए हों। दोस्तों जो ये पहला वाला था इसके अंदर आपके डिफ़ॉल्ट ऐप्स भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे बैंडी कैम देख रहे हैं दोस्तों, ये मैंने इंस्टॉल किया था इसलिए यहाँ पे इसका आइकन दिख रहा है। यहाँ VLC मीडिया प्लेयर ये मैंने इंस्टॉल किया था कंप्यूटर में इसलिए इसका यहाँ पे आइकन दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे वो सभी भी ऐप्स हो सकती हैं जो आपने इंस्टॉल किया हो या किसी से डाउनलोड किया हो, तो वहाँ यहाँ पर उन सभी ऐप्स होती हैं। लेकिन दोस्तों जो ये सेकेंड वाला ऑप्शन है इसमें सिर्फ वही ऐप्स आपको दिखेंगे जो सिस्टम के द्वारा दिए गए हों, जैसे क्लॉक, वॉल्यूम, नेटवर्क, ये सब दोस्तों क्या है सिस्टम के छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हैं। अगर आप यहाँ से सिस्टम के किसी ऐप को यहाँ पे अगर ऑन ऑफ करना चाहते हैं टास्क बार में तो यहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों दोनों सेटिंग में बस इतना ही अंतर है कि इसमें जो सिस्टम के आइकन होते हैं उनको टर्न ऑफ और टर्न ऑन किया जा सकता है और पहले वाले में सिस्टम के भी ऐप्स को मतलब कि टर्न ऑन और टर्न ऑफ किया जा सकता है और जो आपने इंस्टॉल किया होगा उसके भी आइकन को टर्न ऑफ और टर्न ऑन किया जा सकता है टास्क बार में। तो ये दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम अगला चलते हैं नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन सेक्शन में आपको यहाँ पहला दिख रहा होगा शो मी टिप्स अबाउट विंडोज़। अब देखिए दोस्तों ये मेरा ऑन है, अब इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका सीधा सीधा यही मतलब है कि हमारे कंप्यूटर में जो विंडोज़ सॉफ्टवेयर है मतलब विंडोज़ का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, लगभग दोस्तों ज़्यादातर लोगों के कंप्यूटर में विंडोज़ का ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। 70% से ज़्यादा लोगों के कंप्यूटर में दोस्तों आपको विंडोज़ का ही ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। अब दोस्तों जैसे ही ये ऑन होता है तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से कोई भी अपडेट आता है तो हमें वो लैपटॉप में नोटिफिकेशन के रूप में दिख जाएगा कि आपके सिस्टम में ये अपडेट आया, आप इसको अपडेट कर लीजिए। दोस्तों इसके ऑन रहने से ये फ़ायदा होता है कि जैसे ही कोई नया
अपडेट आता है या नई कोई स्क्रिप्ट वगैरह आती है वो हमको नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाती है और हम अपना सिस्टम को अपडेट कर लेते हैं। अपडेट होने से हमारे सिस्टम को ये फ़ायदा मिलता है कि उसके अंदर वायरस या कोई अदर मालवेयर सॉफ्टवेयर नहीं आता। अगर दोस्तों हमारा सिस्टम अपडेटेड रहेगा तो उसके अंदर वायरस का खतरा बहुत ही कम हो जाता है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि इसको ऑन रखिए, क्योंकि इसको ऑन रहने से हमारे सिस्टम में समय समय पर विंडोज अपडेट के मतलब मैसेज आते रहते हैं और हम चाहें तो उनको अपडेट वगैरह कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। मैं तो आपको यही रिकमेंडेड करूंगा कि आप अपने सिस्टम को जब भी कोई अपडेट आए तो उसको अपडेट कर दीजिए, क्योंकि अपडेट करने से हमारा कंप्यूटर सिक्योर रहता है। अब दोस्तों हम अगला वाला बढ़ते हैं, सो एफ नोटिफिकेशन। अब ये किस लिए है दोस्तों? जब भी हम कोई नया कंप्यूटर और लैपटॉप लाते हैं तो लाने के बाद उसमें एक्सटर्नल बहुत सारे ऐप्स इंस्टॉल करते हैं, जैसे वीडियो देखने के लिए, गेम खेलने के लिए, इसी तरह ऑडियो सुनने के लिए हम अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर उसके अंदर डालते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि उन सभी ऐप्स के भी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें ताकि वो अपडेट हो जाए, तो आप इसको ऑन कर दीजिए। इसके ऑन रहने से जितने भी आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल किया होगा, डाउनलोड किया होगा, उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलती रहेगी। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि आपका जो आपने सिस्टम में ऐप्स इंस्टॉल किया अगर वो नोटिफिकेशन ना दे तो इसको आप ऑफ कर दीजिए। वैसे दोस्तों आप ऑन ही रखिए, क्योंकि ऑन रहने से हमको ही फ़ायदा मिलता है। तो अब दोस्तों अगला वाला बढ़ते हैं, सो नोटिफिकेशन ऑन द लॉक स्क्रीन। अब दोस्तों आपको लॉक स्क्रीन के बारे में अगर पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि लॉक स्क्रीन क्या है। दोस्तों जैसे ही हम अपना मोबाइल यूज़ वगैरह करते हैं तो वो होम स्क्रीन पर यूज़ होती है, लेकिन दोस्तों जैसे हम अपने मोबाइल का पावर बटन ऑन कर दे पावर बटन दबा देते हैं तो और उसके बाद फिर ऑन करते हैं तो हमारे जो मोबाइल की स्क्रीन दिखती है वो लॉक स्क्रीन दिखती है। लॉक स्क्रीन में दोस्तों क्या होती है, पासवर्ड वगैरह डालना होता है। जैसे ही हम पासवर्ड डाल देंगे तभी हमारा मोबाइल ओपन होता है। तो दोस्तों अगर हम पासवर्ड सही नहीं डालेंगे तो जो भी आपको फ्रंट पे स्क्रीन दिखेगी वो हमारी लॉक स्क्रीन होती है। इसी तरह दोस्तों हमारे कंप्यूटर में भी होता है। अगर आपने अपने कंप्यूटर में पासवर्ड वगैरह लगा के रखा हुआ है तो अगर आप अपने कंप्यूटर को मतलब जैसे ही मतलब चालू करेंगे तो आपको पहली जो स्क्रीन दिखने को मिलेगी वो लॉक स्क्रीन होगी। लॉक स्क्रीन में दोस्तों जैसे ही आप पासवर्ड वगैरह डालेंगे तभी जाके आप अपनी होम स्क्रीन पे कुछ मतलब चीज़ें खोल सकते हैं, कुछ वीडियो चला सकते हैं। लॉक स्क्रीन में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस सेटिंग से होता क्या है कि अगर ये ऑन होगा तो लॉक स्क्रीन में भी आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलेगी। अब कैसी नोटिफिकेशन मिलेगी, वो नोटिफिकेशन ऐप्स की हो सकती है, वो नोटिफिकेशन सॉफ्टवेयर अपडेट की हो सकती है। तो इसका सीधा सीधा यही काम है कि जो हमारी लॉक स्क्रीन होगी, लॉक स्क्रीन में भी हमको ये नोटिफिकेशन देगा। अगर ये ऑफ होगा तो हमें मैसेज सिर्फ होम स्क्रीन पर ही मिलेगा, यानी कि जैसे ही हम अपना लॉक ओपन कर लेंगे तो लॉक ओपन होने के बाद ही हमें जितनी प्रकार की नोटिफिकेशन होगी वो मिलेगी। लेकिन दोस्तों अगर हमारा जो कंप्यूटर वगैरह अगर लॉक स्क्रीन के मोड में होगा तो उस समय हमें कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। बस इसका सीधा सीधा यही मतलब है। अब दोस्तों जो अगला वाला है, सो अलार्म रिमाइंडर एंड इनकमिंग वीओपी कॉल्स ऑन द लॉक स्क्रीन। अब दोस्तों इसका मतलब भी वही है कि अगर हमारा कंप्यूटर अगर लॉक स्क्रीन के मोड में है तो हमारा उस टाइम पे अलार्म के मैसेजेस आ सकते हैं। अगर कोई आपने इवेंट सेट करके रखा हुआ तो आपको वो लॉक स्क्रीन पर भी मिल जाएगी। होम स्क्रीन पर तो दोस्तों आपको सभी फीचर मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन अगर दोस्तों आपकी लॉक स्क्रीन है, लॉक स्क्रीन का मतलब पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो आपको सभी प्रकार की नोटिफिकेशन लॉक स्क्रीन पर भी मिलेगी। इसका सीधा सीधा मतलब यही है। अगर दोस्तों इसको आप जैसे ही ऑफ कर देते हैं तो आपको लॉक स्क्रीन पर किसी भी प्रकार का कोई मैसेज वगैरह नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही ये ऑन होगा तो लॉक स्क्रीन पर आपको अलार्म, रिमाइंडर और अलग अलग तरह के नोटिफिकेशन मिलेंगी। अब दोस्तों अगला वाला बढ़ते हैं, हाइड नोटिफिकेशन वाइल प्रेजेंटिंग। अब दोस्तों अगर इसको आप ऑफ मतलब इसको आप ऑन कर देते हैं तो जो भी नोटिफिकेशन दोस्तों आपके कंप्यूटर पर आएगी वो तुरंत ही हाइड हो जाएगी, यानी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके सिस्टम में कौन सा अपडेट आया है, कौन सा मैसेज आया है। अगर ये ऑन होगा तो तुरंत ही उसको हटा देगा, लेकिन तो आप इसको बंद ही रखिए, क्योंकि अगर आपको समय समय पर नोटिफिकेशन ही नहीं मिलेगा तो आप अपने सिस्टम को अपडेट कैसे करेंगे। तो मेरा यही कहना है कि इस ऑप्शन को बंद ही रहने दीजिए, क्योंकि अगर ये बंद रहेगा तो आपको हर तरह की नोटिफिकेशन बीच बीच में मिलती रहेगी कि आपका कोई ऐप अपडेट चाहता है या सिस्टम अपडेट चाहता है या वायरस से प्रोटेक्टेड कोई अपडेट चाहता है तो आपको उसको मिलती रहेगी। तो
आप दोस्तों इसको बंद ही करिए, क्योंकि ऑन होने पर हमारा जितना नोटिफिकेशन होगा ये पूरा बंद कर देगा। तो दोस्तों होप आपको ये समझ में आ गया होगा, मैंने ऊपर से यहाँ से लेकर के अंतिम तक के जितने ऑप्शन थे सभी को लगभग डिटेल में बता ही दिया है। अगर दोस्तों फिर भी आपके कोई क्वेश्चन रह गए हो तो आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन एकदम फ्री होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर ज़रा सा भी दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में अगले वाले ऑप्शन के साथ, ऐप्स और फीचर के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।